अध्याय 6 की तरफ जाते हैं, सामाजिकता का आचरण। आचरण हम परिभाषित करते हैं, है ना, बाबा जी ने परिभाषित किया है कि आचरण इज मौलिकता की अभिव्यक्ति परंपरा के लिए, है ना, वही है व्यवस्था सत प्रकाशन, है ना। तो जो मूल्य है, जो नैतिकता है, जो चरित्र है, उसका प्रकटन, यही है आचरण। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि सामाजिकता का आचरण क्या है। तो हम चलते हैं पहले अध्याय के लिए। सामाजिकता का अध्ययन एवं अभ्यास अनिवार्य साधना है। मानव 5 स्थितियों में गण्य है, जिसमें से 3 मूल रूप है, एक व्यक्ति, 2 परिवार, 3 समाज। इसी के परिवर्तित 2 रूप है, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, 5 है अंतरराष्ट्र। तो 5 स्थितियां, ये ना, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, है ना। यहाँ पे बाबा जी ने साधना बताई है। तो सामाजिकता का अध्ययन एवं अभ्यास, है ना, ये जो हम अध्ययन और अभ्यास प्रयास कर रहे हैं, है ना, ये जो अध्ययनरत है, यही साधना है ना। तो साधना को परिभाषित किया है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को आत्मानुगामी बनाने योग्य क्षमता की प्रस्थापना करना, यही साधना है ना। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को आत्मानुगामी बनाने के लिए जो भी प्रस्थाना है, वही साधना है। तो सब अध्ययन और अभ्यास, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम समझने के लिए तैयार है, और समझने के लिए हमारे हमारे पास अध्ययन वस्तु है, 3 दर्शन है, और अभ्यास है, 3 अभ्यास है, विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास और कर्माभ्यास, है ना। इसके साथ हम अध्ययनरत है, यही साधना है। और जब ये अध्ययन पूरा हो जाता है, तो ये प्रमाणित करने के लिए ये भी साधना है। तो ये साधना जो है निष्ठान्वित होने के लिए, तो निष्ठान्वित हम मानवीय लक्ष्य में होते हैं, जीवन मूल्य में होते हैं, अनुभव में होते हैं, समाधान में होते हैं। तो ये जो साध्य, इसी को हम साध्य बोलते हैं। तो यही साध्य प्राप्त करने के लिए, है ना, जो प्राप्त है वही प्राप्त करने के लिए निष्ठान्वित होना, यही साधना है। तो हम यही कह सकते हैं कि जो भी हम अध्ययनरत है ना, अभ्यासरत है, तो यही मध्यस्थ दर्शन के अनुसार साधना है। इन 5 स्थितियों का आचरण परस्पर पूरक है ना, और यह 10 सोपानीय व्यवस्था में स्पष्ट है। तो बाबा जी की यह अनुभूति है ना, बाबा जी ने ये देखा है कि 5 स्थितियां, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, यही 5 स्थितियों में आचरण परस्पर पूरक है, और यही 10 सोपानीय व्यवस्था, जो 10 सोपानीय व्यवस्था हम देख पा हमें बाबा जी ने जो लिखा है ना, परिवार, परिवार समूह, ग्राम परिवार, ग्राम समूह परिवार, क्षेत्र परिवार, मंडल परिवार, मंडल समूह परिवार, मुख्य राज्य परिवार, प्रधान राज्य, तब वहां से विश्व राज्य परिवार, तो परिवार से विश्व राज्य परिवार तक, है ना, यही व्यवस्था। और इसी व्यवस्था में 5 स्थितियां, और वही उसी में आचरण परस्पर पूरक है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। हम आगे की पैराग्राफ लेते हैं। आशा एवं आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है। आशय पूर्वक स्वादन क्रिया ही आशा है। जिस स्वादन के बिना सह अस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा नहीं है, उसकी अपेक्षा ही स्वादन क्रिया का आशय है। मूल्य रुचि ग्राही क्रिया ही स्वादन है। मानव में संचेतना और गति का संयुक्त रूप ही क्रिया है। ऐसी क्रियाओं का समूह ही क्रियाकलाप है। मन में आस्वादन एवं चयन क्रिया प्रसिद्ध है। स्वागत क्रिया ही आकांक्षा है। यही संचेतना एवं सिद्धि वत्ताग्राही क्रिया
क्रिया में संचेतनाशीलता का लक्षण है। तो यहाँ पे है ना संचेतना के बारे में बताया है और दूसरा आचरण के बारे में। तो पहले हम संचेतना क्या है वो देखते हैं। तो संचेतना तो जानना मानना और उसके आधार पर पहचानना निर्वाह ये क्रिया है ना। इसके ये करने की क्षमता पात्रता योग्यता सहित जो भी कार्यकलाप होता है यही सचेतना है ना। तो जानने निर्वाह के आधार पर पहचानना निर्वाह होता है और इसी ये करने के लिए जो क्षमता पात्रता योग्यता जो है यही कार्यकलाप और यही संचेतना है। और जब हम जानने मानने के आधार पर बोलते हैं तो यही संचेतना जागरूक चेतना है, यही ज्ञान संपन्नता है। तो ऐसी संचेतना है ना, ऐसी संचेतना गति के साथ है ना मानव में क्रिया है ना, मानव में यही संचेतना गति के साथ क्रियाएं है। ये संचेतना वहन करने के लिए, ये संचेतना वहन करने वाला संचेतनशील है और वहन करने वाला जो इसकी जो निरंतरता है वह संचेतनाशीलता है ना। तो यह है संचेतना संचेतनाशीलता। अभी हम देखते हैं कि आचरण किसको कहा गया। तो आशा एवं आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है ना। तो आशा क्या है, आशय पूर्वक स्वादन क्रिया। आशय यहाँ क्या बताया गया कि आशय है सह अस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा, यही आशय है। और स्वादन क्या है, मूल्य रुचि ग्राही क्रिया। तो जो आशा है आशय पूर्वक स्वादन क्रिया, तो है ना सह अस्तित्व में दृढ़ता पूर्वक, सह अस्तित्व में दृढ़ता पूर्वक मूल्य और रुचि ग्राही क्रिया है ना, ग्रहण क्रिया, यही आशा है। और आकांक्षा, यहाँ पे आकांक्षा स्वागत क्रिया, तो स्वागत क्रिया ही श्रेष्ठ। तो यही पैराग्राफ में लिखा है, स्वागत क्रिया ही आकांक्षा है। तो ये जो स्वागत क्रिया है ये है श्रेष्ठता की स्वीकृति। श्रेष्ठता कौन सी, तो जब हम मन, जब मन हमारा मन, जब मेरा मन है ना, किसी का भी मन जब अध्ययनरत है तो मन वृत्ति के संकेत ग्रहण कर पाए है ना, यही है श्रेष्ठता। जब वृत्ति चित्त के संकेत ग्रहण कर पाए, चित्त बुद्धि के संकेत ग्रहण कर पाए, बुद्धि आत्मा के ग्रहण संकेत ग्रहण कर पाए और आत्मा अनुभव कर पाए, यही अंतरंग में श्रेष्ठता की स्वीकृति है। और बाह्य रंग में जितने भी हम श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति को हम पहचान पाते हैं, वही श्रेष्ठता की स्वीकृति है। तो यही स्वागत क्रिया ही है। तो समझने के अर्थ में यही स्वागत क्रिया है कि जो हम मीन्स एक स्टेप अहेड है ना, उस संकेत को ग्रहण कर सकते हैं, तो यही श्रेष्ठता की स्वीकृति। और समझने के बाद मीन समझने के लिए और समझने के बाद प्रमाणित करने के अर्थ में आचरण पूर्णता तक मीन यानी कि दिव्य मानव देव मानव, देव मानव दिव्य मानव प्रतिष्ठा तक ये आकांक्षा है ना, यही। और इसके बाद प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए जो अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, व्यवसाय प्रमाण, यही आकांक्षा है। तो आशा एवं आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है। तो आशा है स्वादन की क्रिया और आकांक्षा है स्वागत क्रिया, ये दोनों मिला के जो भी क्रियाकलाप है यही आचरण है। तो इसी यही पैराग्राफ में ये हमें पता चलता है। यही संचेतना और इकाई संचेतना और स्थितिवत्ता ग्राही में स्थिति वहन करने वाली इकाई में जो ग्रहण होता है यही संचेतनाशीलता का लक्षण है। हम आगे चलते हैं। संचेतनाशीलता ही स्वागत क्रिया का आधार है। जो जितना संचेतनशील होता है उतना ही अन्य की वेदना, संवेदना, संज्ञानीयता एवं
स्थितिवत्ता के संकेत को ग्रहण करता है, फलतः निराकरण के लिए प्रयास करता है। यही प्रयास प्रयोग यही प्रयास उन्मुक्तता का आधार है। तो है ना, हमने देखा कि स्वागत क्रिया जो है वो श्रेष्ठता की स्वीकृति है, और उसके लिए जो आधार है ना संचेतनाशीलता, तो संचेतनाशीलता ही स्वागत क्रिया का आधार है। तो ये संचेतनाशीलता क्या है? संचेतना को वहन करने वाली इकाई है ना, जो संचेतना है उसको वो जो वहन करती है वो इकाई, और ये निरंतरता में है। और संचेतना जो हमने अभी देखी है ये है क्षमता योग्यता पात्रता, है ना। क्षमता योग्यता पात्रता किसकी? जो जानना है मानना है, तो जानना मानना के आधार पर पहचानना, और पहचानना के आधार पर निर्वाह करने की जो क्षमता योग्यता पात्रता है यही संचेतना है, यही जागरूक चेतना है, यही ज्ञान संपन्नता है। तो ऐसा मानव है ना, ऐसा मानव का आधार है ना, ये योग्यता ये क्षमता जितनी होती है ना, जो जितना संचेतनशील होता है उतना ही अन्य की वेदना, वेदना क्या है ना, वेदना भ्रमवश वेदना होती है ऐसे हम बोलते हैं। पर भ्रमवश वेदना कैसे है कि अस्वीकार्य को स्वीकार जो हम करते हैं उसका जो दबाव है उसे ही हम वेदना कहते हैं। सो अस्वीकार्य को जो स्वीकार का स्वीकार्य को जो दबाव है हमारे इसमें वही हम वेदना कहते हैं। जो ज्ञान है ना, जो निरंतरता है वो देख पाना, और तो जो जितना संचेतनशील है ना उतना ही अन्य की वेदना संवेदना है ना। तो वेदना है कि जो भ्रमवश है ना, जो संवेदना है जो इंद्रिय सन्निकर्ष है, तो अविकसित हम इसको बोल सकते हैं, अविकसित है। तो ये अविकसित देख सकता है ना, ये कौन है? जागृत मानव है ना, जितना वो संचेतनशील है तो अविकसित को वो देख पाता है, और उसके उसके लिए वो सहायक बन पाता है। और उसके आगे संज्ञानीयता, तो संज्ञानीयता में श्रेष्ठ व्यक्ति को भी देख पाते हैं, तो गौरव और कृतज्ञता वो देख पाते हैं, और आगे बढ़ने के लिए है ना यही उन्मुक्तता का आधार है। तो आगे बढ़ने के लिए यही एक आधार है, तो यही संकेत। और इसके साथ एवं स्थितिवत्ता के संकेत को ग्रहण करता है, तो जो भी इकाई है ना, हर इकाई के संकेत ग्रहण करता है। फलतः निराकरण के लिए प्रयास करता है, तो निराकरण कैसे? तो जो वेदना जो संवेदना में है मिस अविकसित है उनको विकास उनके विकास के लिए उनको सहायक होता है। और जो संज्ञानीयता है जो श्रेष्ठ है वहां पे हम गौरव देख पाते हैं, कृतज्ञता देख पाते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए। तो ये हम तो यहाँ पे निराकरण दोनों अर्थ है ना, अन्यों के लिए और स्वयं के लिए, और इसके लिए प्रयासरत होता है, और यही उन्मुक्तता का आधार है। हम आगे देखते हैं, मानव ही इस पृथ्वी पर अधिकाधिक संचेतनशील है। परस्पर मानव की संचेतनशीलता में जो अंतरांतर है उसी में अनन्यता को स्थापित करने के लिए प्रयास भी किया है, यही शिक्षा और अध्यापन कार्य की प्रेरणा भी है ना। तो बाबा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी मानव है उनमें अधिक अधिकाधिक संचेतनशील है ना। मिस उसमें जो हम बोल सकते हैं कि कम ज्यादा है, तो ये बाबा जी कह रहे। तो परस्पर मानव में ये जो अंतरांतर है मिस संचेतनशीलता में जो अंतरांतर है ना, मिस क्षमता क्षमता व क्षमतावश हर मानव समान है, बट जो योग्यता पात्र पात्रता इसमें जो अंतरांतर है उसी में अनन्यता को स्थापित करने के लिए प्रयास भी किया है। तो हर मानव क्षमतावान हो है ना, हर मानव तो जागृत हो जाए है ना, सर्वशुभ हो जाए, इसके लिए प्रयास भी करता है। तो ये अनन्यता है ना,
तो सर्वशूट के अर्थ में है ना, ये यहाँ पे हम देख पाते हैं। और यही यही शिक्षा और अध्यापन कार्य की प्रेरणा है। तो ये जो प्रयास है यही शिक्षा के लिए, अध्यापन की कार्य के लिए प्रेरणा भी है। तो शिक्षा का मूल जो वस्तु है ना, शिक्षा का जो आउटकम है यही है कि सर्व मानव शुभ हो, सर्व मानव जागरूक हो, और इसी के लिए भी अध्यापन के लिए प्रेरणा भी। हम आगे बढ़ते हैं। जागृतिशीलता का प्रत्यक्ष रूप की संचेतना शीलता है, जिसका चरम कर्ष की अनुभव क्षमता है ना। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जागृतिशीलता है ना, इसका जो प्रत्यक्ष रूप है जो संचेतनाशीलता है ना, हम ये कहा यहाँ पे कह रहे कि जानना मानना के आधार पर पहचानना, उसके आधार पर निर्वाह करना, और ऐसी क्षमतावान इकाई है ना, और इसका प्रत्यक्ष रूप इसके लिए जागृतिशीलता। तो जागृतिशीलता का प्रत्यक्ष रूप भी यही संचेतनाशीलता है, और यही चरमोत्कर्ष है, और यही अनुभव क्षमता है। हम आगे बढ़ते हैं। वेदना भ्रमवश होती है। संवेदना इंद्रिय सन्निकर्ष के साथ होने वाली भंगुरता के आधार पर संज्ञानशीलता के लिए जिज्ञासा का स्रोत है। संवेदनशीलता के आधार पर ही संज्ञानशीलता का जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वेदना ही संवेदना एवं संवेदना ही संवेगों का मूल तत्व है। संचेतना मूलक पांच मूल प्रवृत्ति हर्ष कारक, वेदना मूलक पांच प्रवृत्तियां क्लेश परिपाकात्मक, हर्ष की वेदना मूलक पांच प्रवृत्तियां क्लेश परिपाकात्मक है। हर्ष ही मानव की वांछित उपलब्धि है, क्लेश नहीं। तो वेदना भ्रमवश होती है। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि वेदना है ना, जो भ्रम है ना, उसका वही वेदना है ना, भ्रम हम स्वीकारे नहीं है, है ना, वही अस्वीकार है। लेकिन जो अस्वीकार को स्वीकारने का जो दबाव है ना, यही दबाव वेदनावश है। संवेदना इंद्रिय सन्निकर्ष है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ है ना। तो इसके साथ जो भी है वो संवेदना है। लेकिन यहाँ पे बाबा जी कह रहे कि वेदना और संवेदना के साथ होने वाली भंगुरता के आधार पर है ना। भंगुरता मीन्स टाइम बीइंग है ना, कि इट इज क्षणिक। तो क्षणिक हम क्षणिक ये क्षणिक है ना। तो ये आधार पर ही ना, तो ये क्षणिक वश जो सुख मिलता है, हम कंटिन्यूस सुख की तरफ जाना चाहते हैं, और यही संज्ञानशीलता के लिए जिज्ञासा का स्रोत है ना। तो जिज्ञासा क्या होती है? सुखी होने के लिए, तो सुखी होने का शोध की प्रवृत्ति होती है। भ्रमवश है ना, जो अस्वीकार है वो वेदनाएं हैं, संवेदना जो इंद्रिय सन्निकर्ष है, शब्द शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ, इसके साथ हम क्षणिक सुख में होते हैं, लेकिन उसके बाद ही है ना, किसी टाइम के बाद है ना, कुछ किसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम कंटिन्यूअस जो हैप्पीनेस है ना, कंटिन्यूअस जो सुख है ना, उस निरंतर जो सुख है उसके लिए हम जाए। तो यही जिज्ञासा है। तो सुखी होने के लिए है ना, सुखी होने के लिए जो भी शोध है ना, जो भी प्रवृत्ति है वही जिज्ञासा है। संवेदना ही सॉरी वेदना ही संवेदना वेदना ही संवेदना एवं संवेदना ही संवेगों का मूल तत्व है ना। तो ये जो वेदनाएं है ना, जो ये भ्रमवश है, तो ये वेदनाएं हमें प्रश्नवत होते हैं। तो यही प्रश्नवत वेदना है, संवेदना में कन्वर्जन जो है, तो जिज्ञासा में कन्वर्ट हो जाना,
है ना। तो हम अगर सोम भैया को हर वक्त सुनते हैं कि सोम भैया बोलते हैं ना कि हमें बहुत वेदना हो जाए, है ना, तो बहुत वेदना हो जाए, इसमें जो आशय है कि हमें बहुत सारे प्रश्न हो जाए और ये जो प्रश्न है ये जिज्ञासा में कन्वर्ट हो जाए। तो जिज्ञासा कौन सी? तो विकास और जागृति के प्रति जिज्ञासा, विकास और जागृति की तरफ अपेक्षा। तो इस तरफ ये जिज्ञासा में हो जाए, और जब ये जिज्ञासा में होता है तो ये संवेदनाएं संवेग की तरफ जाती है। तो संवेग क्या है? संयोग प्राप्त गति। तो संयोग प्राप्त गति मीन्स मिलन, मिलन तो श्रेष्ठ व्यक्तियों का मिलन। तो ये वेदना ही संवेदना एवं संवेदना ही संयोग का मूल तत्व है। तो वेदना फिर बाद में संवेदना फिर संवेग, है ना। अध्ययनरत जब होते हैं तो हमें ये क्रम दिखाई देता है। संचेतना मूलक ही पांच मूल प्रवृत्ति हर्ष कारक, है ना। जब संचेतना में है तो पांच मूल प्रवृत्तियां जो हर्ष मूलक है वो है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय। अभय तो यही हर्ष मूलक है। और वेदना मूलक जो पांच प्रवृत्तियां है वो क्लेश परिपाकात्मक है, वो है संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, भय, है ना। तो यहाँ पे यही कह जा रहा है कि ये जो पांच प्रवृत्तियां है, ये जो क्लेश है ना, संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भय, है ना, ये क्लेश, है ना, ये वेदनाएं हमें दिख जाए, है ना। ये वेदनाएं अगर हमें दिख जाते हैं तो हमें ये जिज्ञासा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये जिज्ञासा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे वैसे संवेगों, है ना, संवेग जो कहते हैं कि संयोग प्राप्त गति, तो संयोग से प्राप्त गतियां हमें मिल जाती है, वैसे हमें मिलन होता है, वैसे हमें कंटेन, है ना, वैसे हमें अध्ययन के बिंदु मिल जाते हैं। यही हर्ष की मानव, है ना, हर्ष ही मानव की वांछित उपलब्धि है, क्लेश नहीं। तो हर मानव हर्ष चाहता है, हर मानव सुख चाहता है, क्लेश नहीं, है ना। हम टाइम हम एक आखिरी देखते हैं। आचरण विहीन इकाई नहीं है अस्तु, मानवतापूर्ण आचरण व्यक्ति में सहयोग, सहकार्य योग्य क्षमता, परिवार में प्रोत्साहन योग्य प्रचार, प्रदर्शन एवं प्रकाश, समाज में उसका संरक्षण एवं संवर्धन योग्य विधि एवं व्यवस्था, राष्ट्र में उसके अनुकूल परिस्थितियां, अंतरराष्ट्र में प्राप्त कर लेना ही पांचों स्थितियों की एक सूत्रता का सूत्र है ना। तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि आचरण विहीन इकाई नहीं है, हर इकाई में आचरण है ना, आचरण है ही। तो आचरण में आशा और आकांक्षा है, और ये आचरण व्यक्ति में कैसे है, तो मानवतापूर्ण आचरण में, समाज में कैसा, परिवार में कैसा है, तो सहयोग सहकार्य के साथ, उस क्षमता के साथ, समाज में प्रोत्साहन प्रचार प्रदर्शन और प्रकाशन के साथ, वही हमें विधि और व्यवस्था गत दिखता है राष्ट्र में, और इसके जैसे और इसी के साथ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां अंतरराष्ट्र में प्राप्त कर लेना, यही पांचों स्थितियों में एक सूत्रता है, यही एक सूत्रता का सूत्र है। तो मुझे लगता है कि, है ना, यहाँ पे हम रुके, है ना, 4, 5 और 6, 6 शुरुआत किया था। तो अध्याय 4 था सामाजिकता की अनिवार्यता, 5 फिर सामाजिकता के अध्ययन, और 6वां अध्याय था सामाजिकता के आचरण। उसमें हमने देखा अध्ययन व अभ्यास यही साधना है। कितना सुंदर अभी अनुभूति है ना बाबा जी की, कि उन्होंने लिखा अध्ययन व अभ्यास यही साधना है, और आप, है ना, हम सब साधनारत हैं। उसके बाद जो अनुभूति आई थी उन्होंने उन्होंने बताया कि आशा एवं आकांक्षा पूर्वक जो भी है वो आचरण है। आशा
और जो आकांक्षा उन्होंने बताया था है ना, स्वागत क्रिया की, और मुझे लगता है कि अध्ययन और जो विचाराभ्यास है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही से शुरुआत है। तो आज हम शुरुआत करते हैं अध्याय 6 का, सामाजिकता का आचरण। यहाँ पे पेज नंबर 22 है, और पेज नंबर 22 पे हम शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ जो कल हुआ था, आचरण विहीन इकाई नहीं है, उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थापित संबंध समान है, संबंधों में निहित मूल्य नित्य है, किसी का सानिध्य दूर होने मात्र से उस संबंध में निहित मूल्य का परिवर्तन नहीं है, इसी प्रकार वियोग में भी। वियोग शरीर का है न कि मूल्यों का, जो प्रत्यक्ष है, जैसे माता पिता से वियोग। जीवनकालीन वियोग में भी पिता के प्रति जो मूल्य है उसका परिवर्तन नहीं है। तो बाबा जी यहाँ पे लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थापित संबंध समान है। तो हम ये ऐसे देख पाते हैं कि मानवीय आचरण में ही संबंधों संबंध प्रकट होते हैं। जो मानवीय आचरण है वहां पे ही संबंधों में प्रकट होता है, और प्रयोजनों के आधार पर ही ये संबंध है ना। वो प्रयोजन को पहचानना, यानी कि संबंधों को पहचानना, और यहाँ पे प्रयोजन जो है वो है सर्वतोमुखी समाधान। तो पूरी मानव धरातल, यही इस धरातल पे पूरे मानव जाति का एक ही प्रयोजन है, वो है सर्वतोमुखी समाधान। पर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मानव और परिवार ये परस्परता है, तो उसमें जो संबंध है वो एक समान है। और जो मानव समाज मीन्स मानव परिवार समाज, तो मानव समाज के साथ जो परस्परता है, जो संबंध है वो एक समान है, वैसे ही मानव और व्यवस्था, ये जो संबंध है, ये जो परस्परता है, ये समान है। तो इस धरातल पे हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संबंध समान है, और जो भी संबंध है इस संबंधों में निहित मूल्य नित्य है। तो अगर हम देखते हैं है ना, जैसे माता पिता और संतान, ये संबंध तो प्रयोजन है पोषण संरक्षण है ना। तो मूल्य जो है, तो माता पिता जो निर्वाह करना चाहते हैं, जो निर्वाह करते हैं वो विश्वास के साथ, ममता वात्सल्य प्रेम है ना। और संतान यही व्यक्त करते हैं गौरव कृतज्ञता और प्रेम के साथ। तो ये जो निर्वाह करना है माता पिता संतान के साथ जो करते हैं, तो ये जो संबंध है ये हर परिवार में समान है। तो यही हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थापित संबंध समान है, और उसमें जो मूल्य है, जो निहित मूल्य है वो नित्य है, वो अपरिवर्तनीय नहीं है, अनित्य नहीं है। जैसे कि हम माता पिता और संतान के बीच में जो प्रयोजन है ना, माता पिता का प्रयोजन संतान के लिए वो पोषण और संरक्षण। तो पोषण संरक्षण शरीर पोषण के अर्थ में, स्वास्थ्य संरक्षण के अर्थ में, संस्कार संस्कार के पोषण संरक्षण के अर्थ में, भाषा के पोषण संरक्षण के अर्थ में, स्वच्छता के पोषण संरक्षण के अर्थ में, और परिवार व्यवस्था के पोषण संरक्षण। और ये जो प्रयोजन है ना, ये हर जगह पे समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रयोजन के आधार पर संबंध समान है। तो किसी का सानिध्य दूर होने मात्र से उस संबंध में निहित मूल्य का परिवर्तन नहीं है, है ना। यहाँ पे जैसे बताया गया कि जो वियोग होता है वो शरीर का, लेकिन जो भी माता पिता के साथ जो भी संबंध है ना, पिता माता पिता के साथ वो संबंध वैसे ही है वियोग होने के बाद, क्योंकि हम ये देख पाते हैं शरीर के साथ संबंध नहीं है, ये संबंध जीवन जीवन के साथ संबंध है। हम अगला पैराग्राफ लेते हैं। प्रत्येक परस्परता में दायित्व,
यानी कि बाध्यता सहित देय सीमा समाया हुआ है, यही स्थापित मूल्यों में वस्तु व सेवा को अर्पित करता है। सभी अर्पण मूल्यों के प्रति समर्पण है, यही अर्पण प्रक्रिया ही कर्तव्य है। व्यवहार पूर्वक यह प्रमाणित होता है कि ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें मूल्य न हो और जिसके प्रति दायित्व व कर्तव्य न हो। तो प्रत्येक परस्परता में दायित्व समाया हुआ है, तो प्रत्येक संबंध में दायित्व ये है ही। तो दायित्व हम यहाँ पे परिभाषित किया है संबंधों की पहचान और मूल्यों का निर्वाह, और उसी में सेवा और वस्तु का अर्पण और समर्पण समाया हुआ है। तो अर्पण जो है अपेक्षा सहित नियोजन, और समर्पण जो है सेवा और उपकार के लिए। तो दायित्व जो है ना, यहाँ पे संबंध का पहचान है, मूल्यों का निर्वाह है, और इसी में मूल्यांकन भी है ना। यहाँ पे सेवा और उपकार का अर्पण और समर्पण समाया हुआ है। जो अर्पण है वो अपेक्षा सहित नियोजन है, ये जो है कर्तव्य में। तो कर्तव्य में क्या होता है कि वो है संबंध, हम वहां पे पहचानते हैं, मूल्यों का निर्वाह है, लेकिन वहां पे मूल्यांकन नहीं, वहां पे करना है। तो दायित्व में हम पाते हैं और कर्तव्य हमें सिर्फ करना है। तो जैसे हम देख साथ पाते हैं कि माता पिता अपने संतान के प्रति उनका दायित्व प्रधान कर्तव्य है, और वही माता पिता अगर किसी और बच्चे में समाज में उनका कर्तव्य प्रधान दायित्व होता है, वहां पे वो करते हैं लेकिन वो उनका पाना ये उद्दिष्ट नहीं है, लेकिन अपनी संतान के साथ जो भी वो निर्वाह करते हैं, जो भी व्यक्त करते हैं, वो वहां पे पाना चाहते हैं। वहां पे क्या पाना चाहते हैं? तो वहां पे वो पाना चाहते हैं पूरा निर्वाह उनका, वो मूल्य पाना चाहते हैं, और वो मूल्य है गौरव और कृतज्ञता। तो पूरा तन मन धन वो समर्पित करते हैं, वो नियोजित करते हैं अपने बच्चों के प्रति, और उसके उसके लिए वो क्या पाते हैं? तो वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे गौरव और कृतज्ञ रहे, यही उनका पाना है। हम आगे चलते हैं। संबंध सीमा ही परिवार एवं समाज है। जन्म जीवन व्यवहार विशिष्ट शिष्ट नीति एवं उत्पादन भेद से संबंध प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो परस्परताएं है ना, मानव की परस्परताएं परिवार के साथ समाज के साथ वो निश्चित है ना। तो परस्परताएं जो यहाँ पे बताई गई है, तो उनका विश्लेषण वो जन्म के साथ में जो भेद बताया गया है, जन्म के साथ, जीवन के साथ, व्यवहार विशिष्ट और शिष्ट के साथ, नीति और उत्पादन। और यहाँ पे है एक संबंध जो शरीर के संबंध है, तो शरीर संबंध से हमें माता पिता भाई बहन है ना, ये मिलते हैं, पति पत्नी ये रिलेशन, ये भी संबंध उसी में आते हैं। जीवन जीवन गुरु शिष्य चाकू सभी संबंध जीवन जीवन संबंध में आते हैं। मित्र साथी सहयोगी ये शिष्ट व्यवहार शिष्ट संबंध है। जो नीति आधारित है, विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता, तो ये सभी जो शरीर संबंध है, जीवन संबंध है, शिष्ट संबंध है, उसी में आते हैं। और उत्पादन संबंध जो क्षमता में और जहाँ पे अवसर है वैसे उत्पादन हम कर पाए, साधनों पे हम देख पाए, और अगर हमारे पास उत्पादन है, उस ग्राम में उत्पादन ज्यादा है, तो वितरण के लिए दूसरे ग्राम में वो जा सकते हैं। तो इस अवसर के लिए जो संबंध है वो उत्पादन उत्पादन संबंध है। तो संबंधों में निहित मूल्यवत्ता वर्ष की उसकी अक्षुण्णता पाई जाती है, यही अखंड समाज की अक्षुण्णता भी है। तो ये जो मूल्यवत्ता वर्ष है, तो मूल्यवत्ता मीन्स मूल्य को वहन करने वाली क्षमता। तो मूल्य की वहन करने वाली क्षमता जो निहित है हर संबंध में, उसकी अक्षुण्णता पाई जाती है। तो जो मूल्य है ये पहचान है ना, और हर इकाई हमें दर्शन में पता ही है कि हर
हर इकाई प्रकाशमान है, तो हर इकाई का पहचान है। और ये जो मूल्य है, ये जो मौलिकता है, ये जो पहचान है, यही निहित है हर संबंध में। तो इसी वश हम ये कह सकते हैं कि ये अक्षुण्ण है, ये निरंतर है, और यही अखंड समाज की अक्षुण्णता भी है, और यही कारण है कि अखंड समाज के लिए अक्षुण्णता भी है। हम आगे चलते हैं। भैया नया नया बुक है, नया बुक में पेज नंबर 23। वैसे दीदी ने बताया ही था, तो हम अगला पैराग्राफ जाते हैं। मूल्यों की स्थिरता ही अखंडता एवं अक्षुण्णता है, जो नियति क्रम में पाए जाने वाले तथ्य है। समाज की पांचों स्थितियां परस्पर पूरक है, जिसकी एक सूत्रता ही अखंडता है। अंतरराष्ट्र में नीति त्रय का संतुलन, राष्ट्र में मानवता के संरक्षण एवं संवर्धन योग्य विधि व्यवस्था एवं शिक्षा प्रणाली पद्धति, सामाजिकता में मानवीयता का प्रचार प्रदर्शन प्रकाशन एवं प्रोत्साहन, परिवार में मानवीयता के प्रति समर्पण विश्वास एवं निष्ठा, व्यक्ति में मानवीयतापूर्ण आचरण व्यवहार अभ्यास अनुभव विचार तथा आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही लोकमंगल कार्यक्रम है। यही चारों आयाम एवं पांचों स्थितियों की एक सूत्रता का सूत्र है। तो यहाँ पे मूल्यों की स्थिरता और उसके बाद जो मूल्यों का निर्वाह है नीति में, यह स्पष्ट किया गया है। तो हम ये मूल्यों की स्थिरता है ना, ये स्थिरता हम कैसे देख पाते? तो मूल्य यानी कि मौलिकता है ना, और मौलिकता हम कह सकते हैं कि उपयोगिता और पूरकता है ना। उपयोगिता हम कहते हैं कि निश्चित आचरण, और पूरकता हम कहते हैं कि व्यवस्था में भागीदारी। अब अगर ये हम देखते हैं ना, उपयोगिता और पूरकता, जैसे आचरण और भागीदारी, हम अगर यही देखते हैं व्यवस्था में, तो तीन व्यवस्था जो है ना, पदार्थ व्यवस्था, जीव अवस्था और प्राण अवस्था, तो ये तीनों में ये प्रमाणित है ना, ये तीनों में उसकी परंपरा है। तो जिसकी परंपरा है वो स्थिर है ना, तो ये तीनों में वो प्रमाणित है, इस कारण वो स्थिर है। तो बाबा जी ये कह रहे कि यही परंपरा है ना, संस्कारवश मानव में है ना, परिवार में समाज में है ना, और इसी कारण हम ये कह सकते, और ये जो मानव में है ना संस्कार क्षम, ये व्यक्त होता है मानवीयतापूर्ण आचरण में, और मानवीयतापूर्ण आचरण का मूल जो मूर्त रूप है वो मूल्य है। तो ये जो परंपरा है मानवीयतापूर्ण आचरण में जीने की, तो इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि मूल्य भी स्थिर है। और वैसे ही बाबा जी ने कहा है कि अस्तित्व स्थिर है। और ये जो मूल्य है ना, अंतरराष्ट्र में नीति त्रय का संतुलन, तो नीति जो है मूल्यों का निर्वाह कैसे होगा है ना, ये प्रक्रिया और प्रणाली, तो ये प्रक्रिया और प्रणाली आती है नीति में, और ऐसे तीन नीतियां और उसका संतुलन अंतरराष्ट्र में, उसके बाद राष्ट्र में मानवता के संरक्षण एवं संवर्धन योग्य विधि व्यवस्था एवं शिक्षा प्रणाली पद्धति, तो ये जो नीतियां है उसका जो निर्वाह करना है उसके लिए शिक्षा प्रणाली, ये है राष्ट्र का, राष्ट्र में सामाजिकता में इसी का प्रचार प्रदर्शन प्रकाशन एवं प्रोत्साहन, परिवार में मानवतापूर्ण आचरण में है ना, जहाँ पे मूल्य समर्पित है, तो वही परिवार में मानवता के प्रति समर्पण विश्वास एवं निष्ठा, और व्यक्ति में यही मानवतापूर्ण आचरण में दिखता है, व्यवहार में दिखेगा ना, हम अभ्यास अनुभव विचार एवं आवश्यकता से अधिक जो उत्पादन, इसी यही लोकमंगल कार्यक्रम है। तो जो कार्यक्रम है पांच स्थितियों में, ये कार्यक्रम ही यही
चार आयाम मीन्स जो अनुभव आयाम है, व्यवहार विचार आयाम, व्यवहार आयाम, व्यवसाय आयाम और पांचों स्थिति मीन्स व्यक्ति से अंतरराष्ट्र तक ही एक सूत्र का सूत्र है। हम आगे के पैराग्राफ पे लेते हैं। प्रत्येक मानव में सीमित शक्ति, निश्चित दायित्व, कर्तव्य एवं स्थापित संबंध पाए जाते हैं, जिनकी एक सूत्रता नियंत्रण एवं मानवीयतापूर्ण पद्धति से प्रमाणित होती है। यही गुणात्मक परिवर्तन का औचित्य और मानवीय आचार संहिता है। तो प्रत्येक मनुष्य में सीमित शक्ति है, तो ये सीमित शक्ति हम गति के आधार पर देख सकते हैं, करने के आधार पर देख सकते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शारीरिक क्षमता, तो शारीरिक क्षमता हर किसी की सीमित है, तो जो गति के आधार पर हमें दिखाई देता है, जो करने के आधार पर दिखाई देता है वो सीमित है, परंतु जो दायित्व है, जो संबंध है, तो दायित्व निश्चित है और कर्तव्य निश्चित है ना, और संबंध जो स्थापित संबंध पाए जाते हैं। यहाँ पे जो इनकी जो एक सूत्रता है वो नियम त्रय में है, तो तीन नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, भौतिक नियम, तो ये तीन नियम में एवं मानवीयतापूर्ण पद्धति से, तो मानवीयतापूर्ण पद्धति से, तो मूल्य चरित्र चरित्र नैतिकता से ये प्रमाणित होती है। तो ये जो निश्चित दायित्व है ना, स्थापित संबंध है, उसके साथ जो निश्चित कर्तव्य है, इसके साथ जो हमें सीमित शक्तियां है, तो इसकी एक सूत्रता नियंत्रण और मानवीयतापूर्ण आचरण में प्रमाणित होती है। यही है ना, यही गुणात्मक परिवर्तन के लिए अनुकरणीय अनुसरणीय बिंदु है, और यही हम कह सकते हैं कि मानवीय आचार संहिता है, यही विधि है। हम आगे चलते हैं। मानव की मूल शक्ति निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य है, यही मूल पूंजी है, यही मानव का मूल मूर्त रूप भी है, जो क्षमता, उत्पादन और व्यवहार के रूप में प्रकट होता है। यही प्रकटन व्यवहारात्मक जनवाद एवं समाधानात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट एवं चरितार्थ करता है। यहाँ पे मानव की जो मूल शक्ति है, बाबा जी कह रहे निपुणता, कुशलता, पांडित्य है। तो हम निपुणता कहते हैं कि जहाँ पे हम उपयोगिता मूल्य को पहचानते हैं। कुशलता हम कहते हैं कि मानसिकता सहित हम उपयोगिता और सुंदरता मूल्य को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। और पांडित्य है ये जो हमने निपुण में है ना, हम किसी में निपुण हुए है ना, किसी की उपयोगिता मूल्य हमने पहचाना, निर्वाह किया। कुशलता में हमें मानसिकता सहित सुंदरता मूल्य भी उसमें एड ऑन किया है ना, ये हम किसी को बोध करा सके ज्ञान के साथ, यही है पांडित्य। तो ये जो तीन है, निपुणता, कुशलता, पांडित्य, यही ये क्षमता ना उत्पादन और व्यवहार के रूप में प्रकट होती है। तो व्यवहार के प्रकाश में उत्पादन है ना, तो हर उत्पादन जो भी उत्पादन है, जो भी व्यवसाय है, तो यहाँ पे व्यवहार प्रधान है, क्योंकि उत्पादन हम मानव मानव मीन्स मानव वहां पे है, तो जब मानव इन्वॉल्व है तो मानव के साथ व्यवहार, और फिर जो वस्तु है ना, मानवीय जो प्रकृति है उसके साथ हम उत्पादन करते हैं। तो ऐसी शक्ति निपुणता, कुशलता, पांडित्य जो मानव के पास मूल रूप में है, वही क्षमता है उत्पादन और व्यवहार उसके रूप में प्रकट होती है, और यही प्रकटन व्यवहारात्मक जनवाद और समाधानात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट करती है और चरितार्थ करती है। तो चरितार्थ करती है मीन्स वहां पे आचरण पूर्वक सार्थक होती है। आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार व वर्ग
स्वत्व और स्वतंत्रता चाहता है ना, हर मानव की है ना, हर परिवार है ना, हर समाज है ना, हर की चाहत है कि वो स्वत्व में जिए, स्वतंत्रता में जिए है ना। लेकिन अव्यवस्था में मानव को, परिवार को, समाज को स्वत्व और स्वतंत्रता क्या है ना, वो नहीं नहीं पता। इसलिए जो जो प्रकट होता है ना, जो निर्वाह होता है, वो क्लेशकारी होता है। तो यहाँ पे स्वत्व जो दर्शन में बताया गया है वो है समझदारी है ना, ज्ञान संपन्न में होना, ज्ञान संपन्न में आना, तो जीवन में संकल्प होना, यही स्वत्व है। और स्वतंत्रता है ये जो समझदारी है ना, ये जो ज्ञान संपन्नता है, इसको प्रमाणित करना। तो स्व में स्वयं, तंत्र में ऐसे जो समझदारी है वो प्रेरणादायी हो, मीन्स उसका प्रदायी हो है ना, ऐसे तंत्रित हो, मीन्स ये दूसरों के लिए प्रेरित रहे। तो स्वतंत्रता यही है कि स्वयं तंत्रित होकर प्रमाणित होना, यही स्वतंत्रता है। तो स्वत्व क्या है? समझदारी। तो समझदारी पूर्वक हम प्रमाणित होते हैं, वही स्वतंत्रता है। आगे और इसके बारे में कहा है, आगे चलते हैं। स्वाधीनता सहित ही स्वत्व है, स्व विचार, इच्छा, संकल्प, आशानुरूप। स्व विचार, इच्छा, संकल्प, आशानुरूप, चालन, संचालन एवं नियोजन क्रिया ही स्वाधीनता है, जो प्रत्यक्ष है, यही सार्वभौमता विधि से सफल है। तो यहाँ पे स्वत्व बताया है, स्वाधीनता सहित ही स्वत्व है। तो स्वाधीनता कहा है कि स्व भौतिकता में अधीन है ना, स्व भौतिकता में अधीन में ये स्व विचार में रहना, और है ना, संकल्पित होना, उसके उसके ही साथ इच्छा विचार में रहना, और उसके अनुरूप आशा, मीन्स संकल्प, संकल्प के अनुरूप इच्छा, उसके अनुरूप विचार, उसके अनुरूप आशा, और इसी के साथ ही स्वाधीनता है। और ये स्वाधीनता कैसी है? तो उनके अनुरूप चालन। तो चालन यानी कि दूसरों के स्वभाव से अधिक गति, दूसरों के स्वभाव से अधिक गति, इसका यहाँ पे अर्थ है कि ये जो स्वाधीनता स्वत्व मानव है ना, जिस मानव के पास जो स्वत्व है, इसका जो स्वभाव है, ये स्वभाव जब ये दूसरों के साथ व्यक्त होता है, ये दूसरों से अधिक होता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये जागरूक मानव है ना, अजागरूक मानव के साथ व्यक्त होता है, तो अजागरूक मानव के जो स्वभाव है, दीनता, हीनता, क्रूरता है ना, ये इस स्वभाव से अधिक गति, इस जो धीरता, वीरता, उदारता है, इस स्वभाव से वो व्यक्त होता है, और वही चालन है। संचालन मीन्स पूर्णता के अर्थ में गति। तो पूर्णता क्या है? आचरण पूर्णता है ना। तो आचरण पूर्णता के लिए जो गति है, उसके लिए जो है वो संचालन, और एवं नियोजन क्रिया, तो नियम पूर्वक योजनाएं। तो जो भी संकल्पित है, उसके आधार पर जो इच्छाएं है, वही नियम पूर्वक योजनाएं है, और यही जो क्रियाएं है, यही स्वाधीनता है, जो प्रत्यक्ष है, वही प्रमाणित है, तो यही सार्वभौम विधि से सफल है। तो यहाँ पे स्वाधीनता यानी कि स्व बौद्धिकता में रहना, और वो स्व बौद्धिकता में संकल्पित होना, और उसके अनुसरूप जो क्रियाएं हैं, वही स्वाधीनता है ना। हम आगे चलते हैं। स्वयं का प्रत्यक्ष रूपी स्थिति है ना, जो अनुभव है, ऐसी क्षमता, क्षमता के अधीन जो कुछ भी है, वही स्वाधीनता है। स्वबौद्धिकता के अधीन बराबर स्वाधीनता ना। तो स्वयं का प्रत्यक्ष रूपी स्थिति है, और इसी स्थिति में है ना, मीन्स जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है ना, तो आत्मा के संकेत ग्रहण कर सके बुद्धि, बुद्धि के संकेत ग्रहण कर सके चित्त, चित्त के संकेत ग्रहण करे वृत्ति, और उसके साथ जो आशानुरूप मीन्स जो मन संकेत ग्रहण करता है, यही प्रत्यक्ष स्थिति है, जो अनुभव है ना। ऐसी क्षमता के अधीन जो भी क्रियाएं हैं, वही स्वाधीनता है ना। ऊपर जो हमने देखा है,
स्विचार इच्छा संकल्प आशानुरूप जो भी क्रिया है वही स्वाधीनता है, और उसके अधीन जो है वो स्वाधीनता और वही स्वत्व है ना। तो यही समझदारी है, यही हम कह सकते हैं कि ज्ञान संपन्न है, ज्ञान समझ में आना यही स्वत्व है। हम आगे चलते हैं, स्वयं से वियोग न होना ही स्वत्व है ना। इसी क्रिया से वियोग न होना ही स्वत्व है ना। परंतु भ्रमवश संपत्तिकरण ही समाज को सामाजिकता से वंचित करता है। तो भ्रमवश हम संपत्तिकरण है ना, इसी को हम स्वत्व माने रहते हैं, और भ्रमवश जो संपत्तिकरण है ना, इसके लिए ये अगर इसके पीछे अगर हम दौड़ते हैं तो वही समाज को सामाजिकता से वंचित करता है। हम आगे चलते हैं, मानव का स्वत्व केवल निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य ही है, साथ ही उसके नियोजन से उत्पन्न उत्पादनों पर भी प्रत्यक्ष रूप में स्वत्व होता है जो सामाजिक है। भ्रमवश संपत्तिकरण ही समाज का सामाजिकता से वंचित कर देता है, क्योंकि संग्रह प्रवृत्ति ही क्लेश परिपाकात्मक है जो प्रसिद्ध है। मानव जीवन असंग्रह यानी कि समृद्धि, स्नेह, विद्या, सरलता एवं अभयात्मक मूल प्रवृत्तियों पर ही हर्ष का अनुभव करता है। संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान एवं भयात्मक प्रवृत्तियों पर आधारित संपूर्ण व्यवहार, उत्पादन एवं आचरण स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए क्लेश सहित है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वत्व है ना, जो हमने अभी देखा कि स्वत्व जो समझदारी है वही निपुणता, कुशलता, पांडित्य है। तो यहाँ पे स्वत्व जो कहा जा रहा है उत्पादन के अर्थ में बताया गया है कि ये कैसे होता है ना, नियोजन से है ना। तो हम नियोजन से उत्पन्न उत्पादन और उत्पादनों पर भी प्रत्यक्ष रूप में स्वत्व होता है। तो जब ये उत्पादन होता है यहाँ पे हम नियोजित करते हैं, तो नियोजित करना मीन्स नियम पूर्ण योजना करना होना, और जो नियम पूर्ण योजना है उसके उसके साथ प्राकृतिक नियम के अंतर्गत उत्पादन होता, और वो उत्पादन कैसे, तो आवर्तनशील विधि में है ना। तो आवर्तनशील विधि में जो प्राकृतिक नियमों के साथ जो भी उत्पादन होता है ना, यही नियोजन है, और यही हम उत्पादन के लिए हम कह सकते हैं कि निपुणता, कुशलता, पांडित्य है, और यही सत्व है। भ्रमवश, लेकिन भ्रमवश हमने संपत्तिकरण को ही संपत्तिकरण ही समाज का सामाजिकता से वंचित कर देता है, क्योंकि संग्रह प्रवृत्ति ही क्लेश है ना। जो द्वेष, अविद्या, अभिमान और भयात्मक प्रवृत्ति है, इसके आधारित जो भी व्यवहार, उत्पादन और आचरण है ना, ये क्लेश सहित है। लेकिन जो प्रवृत्तियां है ना, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता एवं अभयात्मक मूल प्रवृत्तियां है ना, ऐसे प्रवृत्ति के साथ ना हम जब जाते हैं तो हम हर्ष का अनुभव कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो जिसके पास है उसी का वह बंटन करता है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है ना। जिसके पास सुख है वो सुख का बंटन करेगा, जिसके पास क्लेश है वो दूसरों को क्लेश ही देगा है ना। तो ये जो जिसके पास है ना, यही हम बोल सकते हैं कि पात्रता है ना, और यही योग्यता के कारण वो व्यक्त होता है। तो जिसके पास जो पात्रताएं है ना, तो वही उसका बंटन करता है। हम आगे चलते हैं, इसलिए संपूर्ण उपार्जन ना मानवता की सीमा में उपयोगिता पूर्ण उपयोगवादी प्रक्रिया
व्यवहार एवं आचरण ही सामाजिक तथा तो इसलिए उपार्जन, संपूर्ण उपार्जन मानवीयता की सीमा में ना उपयोगिता पूर्ण उपयोगवादी प्रक्रिया व्यवहार एवं आचरण ही सामाजिक तथा अमानवीयता की सीमा में संग्रह सहित उपभोगवादी विचार प्रक्रिया व्यवहार एवं आचरण ही असामाजिक सिद्ध हुई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामाजिक क्या है, असामाजिक क्या है। तो जो उपार्जन है ना, उपार्जन सामाजिक और उपार्जन असामाजिक कैसे? तो यहाँ पे जो हम उपार्जन है वो है मूल्यों का स्थापना। तो मूल्यों की स्थापना सामाजिक, ये मानवीयता की सीमा में है। ये कैसी है? तो उपयोगिता पूर्ण। तो उपयोगिता पूर्ण क्या है? तो हम ये छेज देख सकते हैं कि आवास, आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, दुर्गमन, दूर श्रवण, यही उपयोगवादी प्रक्रिया में। तो उपयोगवादी यानी कि योजित और नियोजित जो भी प्रक्रिया है, तो ये चित्रण में होता है ना। तो हम योजनाएं करते हैं, नियम पूर्वक योजनाएं होती है, और इसके आधार पर प्रक्रिया, और इसके आधार पर जो व्यवहार है, इसके आचरण पे जो आचरण है ना, यही सामाजिक है। अन्यथा अन्यथा जो भी अमानवीयता के सीमा में जो संग्रह सहित जो भी हम हमारी जो विचार प्रक्रिया है, जो व्यवहार है, जो आचरण है, वही असामाजिक सिद्ध हुआ है। हम आगे चलते हैं। अविद्या एवं भय के परिणाम में दयनीयता, द्वेष एवं अभिमान के परिणाम से क्रूरता तथा संग्रह व भय के परिणाम से हीनता का प्रसव है। तो अगर इसमें हम देख पाते हैं जो भौतिक नियम है ना, अविद्या, बौद्धिक नियम न समझना ना, बौद्धिक नियम न समझना, यही जो अविद्या, भय, द्वेष, अभिमान है ना, क्रूर, संग्रह है ना, यही जो है, तो ये हम कह सकते हैं कि बौद्धिक नियमों का न समझना ही अमानवीय स्वभाव में प्रसवन है ना? जैसे कि अविद्या, भय, अभिमान, संग्रह है ना, और तो ये जो है ये किसके कारण है कि ये हम बौद्धिक नियम न समझ पाना। और जब हम बौद्धिक नियम न समझ पाए और वैसे हम अगर व्यवहार कर पाते हैं, अगर हम व्यवहार करते हैं, तो उस व्यवहार से जो प्रसव होता है, वो जो प्रसवन है, वो अमानवीय स्वभाव है, और अमानवीय स्वभाव जो क्रूरता है ना, हीनता, इससे हमें दिखता है। आगे चलते हैं। विद्या का प्रत्यक्ष रूप निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य, और संग्रह का प्रत्यक्ष रूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन, सरलता का प्रत्यक्ष रूप सामाजिकता, स्नेह का प्रत्यक्ष रूप सौजन्यता एवं अभय का प्रत्यक्ष रूप ही सहअस्तित्व है। अस्तु, असंग्रह व सभ्यता के योग से धीरता का, विद्या व अभय के योग से वीरता का एवं स्नेह व सरलता के योग से उदारता का प्रसव है ना? जब ये हम देख पाते हैं, जब भौतिक नियम है ना, बौद्धिक नियम जब पता चल जाते हैं, तो ये जो प्रकटन है बौद्धिक नियम, इसके साथ जो व्यवहारिक है ना, न्यायपूर्ण व्यवहार, ये इसके दोनों के साथ जो प्रकटन है, तो ये जो प्रकटन है ये मानवीय स्वभाव में है। तो यहाँ कहे जा रहा है ना, कि असंग्रह व सभ्यता, तो असंग्रह ये भौतिक नियम है, सभ्यता ये प्रकटन है ना, ये न्यायपूर्ण व्यवहार है। तो ये दोनों के साथ जो होता है, इसके बाद जो भी होता है वो है न्याय में निष्ठा। तो न्याय के प्रति निष्ठा होती है, और वही धीरता है। तो धीरता का ये, धीरता ये स्वभाव, इसका प्रसवन होता है। और वैसे ही विद्या और अभय के योग से वीरता, स्नेह और सरलता के साथ योग। तो हम ये देख पाते हैं कि बौद्धिक नियम है ना, जब हम समझ पाते हैं,
और ये जब व्यवहारायन होते हैं, है ना, जब न्यायपूर्ण व्यवहार में प्रकट होते हैं, निर्वाह होता है, तो जो आउटकम है ना, जो हमें दिखता है वो है मानवीय स्वभाव। तो मानवीय स्वभाव में इसका हमें दिख जाता है। हमारे उपरोक्त तथ्य ही मानव को स्पष्ट व सिद्ध करता है। उपरोक्त तथ्य ही मानव को स्पष्ट व सिद्ध करता है कि मानव की क्षमता, योग्यता व पात्रता ही उसका स्वत्व है, जो निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य ही है। संपूर्ण उत्पादन इसी से होता है। संपूर्ण उत्पादन सामान्य एवं महत्वा आशा की सीमा में उपयोगी है, यही आवश्यकता है। तो ऊपर जो लिखा है ना, उसपे स्पष्ट होता है कि जो क्षमता, योग्यता, पात्रता है ना, उसके अनुरूप प्रकटन है, वही निपुणता, कुशलता, पांडित्य है, और इसी पे आधार पर उत्पादन होता है। और उत्पादन की सीमा है सामान्यकांक्षा, महत्वाकांक्षा, और इसकी भी जो सीमा है, सीमाएं हैं वो उपयोगी। तो उपयोगी ये कब हम बोल सकते हैं कि जब आवश्यकता निश्चित हो जाती है। तो आवश्यकता निश्चित हो जाती है तो हमारी सामान्यकांक्षा, महत्वाकांक्षा ये निश्चित होता है, और इसके साथ जो उत्पादन होता है वो सामान्य कांक्षा और महत्वाकांक्षा की सीमा में उपयोगी है। तो उपयोगी में योजित और नियोजित करना है ना, उससे हम ये कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मानवीयता से ही परिपूर्ण होना ही स्वतंत्रता का प्रधान लक्षण है। स्वयं से तंत्रित होना एवं न्याय समाधान प्रमाणित होना ही स्वतंत्रता है, यही जीवन चरितार्थ का लक्षण है। तो इसी कारणवश है ना, तो जो क्षमता, योग्यता, पात्रता के साथ है ना, जो पहले जो स्वत्व है वो समझदारी है। समझदारी के आधार पर क्षमतावान, योग्यता और पात्रता है, और उसी आधारवश जो निपुणता, कुशलता, पांडित्य है, उसी के आधारवश हमारे पास उत्पादन है। और ये उत्पादन व्यवहार के साथ हम जब व्यक्त होते हैं, है ना, हम जब प्रमाणित होते हैं, है ना, ये स्वतंत्रता का प्रधान लक्षण है, यही यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो स्वयं से तंत्रित होना है ना, एवं न्याय समाधान प्रमाणित होना, यही स्वतंत्रता है, यही जीवन चरितार्थ का लक्षण है, यही आचरण में सार्थक है ना, यही जीवन का लक्षण है। हम आगे चलते हैं। वस्तु व जीव पर स्वत्व स्थापित करने एवं स्वेच्छा पूर्वक उपयोग करने का प्रयास भ्रमित मानव ने किया है। इसी को स्वत्व व स्वतंत्रता मानना ही अविद्या का प्रधान लक्षण है। अस्तु, यह सब उपयोगितावादी सिद्ध हुआ है, न कि स्वतंत्रता का आधार। तो जो वस्तु है ना, जो जीव है ना, इस पे आधारित हम सिर्फ उत्पादन कर सकते हैं, है ना, ना कि ये सत्व हो सकता है। और उत्पादन भी हम कर सकते हैं उपयोगिता विधि से, है ना, हम उपयोगी बना सकते हैं। तो जो भी वस्तु है, जो भी जीव है ना, जो भी मानवेतर है, उस पे वो जो उसी के आधार पर हम उत्पादन कर सकते हैं, ना कि वो स्वत्व है, ना कि वो समझदारी। तो इसको स्वत्व मानना, इसको स्वतंत्रता मानना, यही अविद्या का प्रधान लक्ष्य है। आगे चलते हैं। मानव के स्वत्व में क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है, उसपे स्वाधीन, स्वबौद्धिकता, बौद्धिकता के अधीन में जिन वस्तु, स्थान, जीव को पाया जाता है, उनकी अनिवार्यता मानव की उपयोग क्षमता में से के लिए ही है।
क्षमता ही वहन, योग्यता ही प्रकटन एवं पात्रता ही ग्रहण क्रिया है जो प्रत्येक मानव में प्रत्यक्ष है। साथ ही यही मानव का स्पष्ट रूप एवं अधिकार भी है। क्षमता, योग्यता एवं पात्रता ही मानव को मानव का इकाईत्व, सीमा, संवेग, प्रवृत्ति, प्रतिभा, व्यक्तित्व, वहन, निर्वाह, निरूपण, निर्धारण, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण एवं संयोजन है। यही उत्पादन, व्यवहार एवं अनुभव प्रमाण। क्या सुंदर अनुभूति है ना, जागृत मानव का, है ना, जागृत मानव का स्वत्व है ना, वही क्षमता, योग्यता, पात्रता है ना। यही जब हम मानवीय प्रवृत्ति के साथ देखते हैं तो क्षमता ही वहन, योग्यता ही प्रकटन और पात्रता ही ग्रहण किया है ना। और ये क्षमता, योग्यता, पात्रता के साथ है ना हम जीव स्थान और वस्तु है ना, मानवीतर वस्तु के साथ जो हम उपयोग के लिए, हम इस उपयोग के क्षमता के लिए है ना। तो यही स्वत्व में जो क्षमता, योग्यता, पात्रता और यही मानवीतर प्रकृति के साथ हम अगर देखते हैं तो इसमें मानव उपयोगी हमें दिख जाता है। तो ये जो क्षमता वहन क्रिया है, योग्यता जो प्रकाश प्रकटन क्रिया है और पात्रता जो ग्रहण क्रिया है, ये हर मानव में प्रत्यक्ष है। साथ ही ये अधिकार भी है ना। ये जो क्षमता, योग्यता और पात्रता है ना मानव में जो है ना, ये मानव का है ना इकाईत्व, तो इकाईत्व हम कह सकते हैं। आचरण है ना, मौलिकता, इसे ही हम इकाईत्व कह सकते हैं। तो भगवान है ना मानव है ना, जो स्वत्व में है, जो समझदार है, उसका क्षमता, योग्यता, पात्रता ही आचरण में, मिस मौलिकता में है ना, पूर्णता प्राप्त करने की गति में है ना, सीमा में, मिस मानवीयतापूर्ण आचरण में, ऐसे ही प्रवृत्ति, जो निवृत्ति हम कह सकते, ऐसे प्रतिभावान है ना, ऐसे व्यक्तित्व में है ना, ऐसे ही वहन करने वाला, ऐसे ही निर्वाह करने वाला, ऐसे निरूपण करने वाला, मिस स्पष्ट कर देता है, निर्वाह कर देता है, ऐसे निर्धारित, ऐसा ही निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण के और संयोजन ही है मानव का, समता, योग्यता, पात्रता है। और यही प्रमाण है, यही तीन प्रमाण है। ये तीन कौन से प्रमाण है? अनुभव प्रमाण, और अनुभव प्रमाण में व्यवहार प्रमाण और उत्पादन प्रमाण। आगे चलते हैं। वहन पूर्वक स्थापित मूल्यों का निर्वाह, शिष्टता पूर्वक शिष्ट मूल्यों का आचरण एवं व्यवहार, आचरण सहित भौतिक मूल्यों का समर्पण, अर्पण उपयोगी सिद्ध हुआ है, यही स्वतंत्रता का मूल रूप है। तो वहन पूर्वक मीन्स क्षमता जो है ना, क्षमता पूर्वक स्थापित मूल्यों का निर्वाह जो समर्पण है, शिष्टता पूर्वक शिष्ट मूल्यों का जो अर्पण है, और जो आचरण सहित भौतिक मूल्य है वो उपयोगी है, यही सिद्ध है ना, यही सिद्ध हुआ है और यही स्वतंत्रता का मूल रूप है। हम आगे चलते हैं। स्वत्व निर्वाह से ना, स्वतंत्रता प्रयोजन से एवं अधिकार उपलब्धि से प्रमाणित है। तो जो ये स्वत्व है ना, निर्वाह से यानी कि स्वयं में व्यवस्था, स्वतंत्रता जो है ना प्रयोजन में, तो यानी कि हम बोल सकते कि व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, और ये जो अधिकार है, ये जो उपलब्धियां है
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता से प्रमाणित है। तो ये जो स्वत्व जो निर्वाह यानी जो स्वयं में व्यवस्था ना स्वतंत्रता जो है व्यवस्था में भागीदारी और जो उपलब्धियां है ये क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता ही है। तो यही हम देख सकते हैं कि स्वत्व ही श्रम और विश्राम के लिए स्वतंत्रता ही गति गंतव्य के लिए और ये अधिकार ही परिणाम आचरण पूर्णता के लिए और वही प्रमाणित है। हम आगे का पैराग्राफ लेते हैं। मानव का अधिकार भौतिक उत्पादन और व्यवस्था की सीमा में अधिकार एवं स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता स्वत्व यही व्यवहारात्मक जनवाद समाधानात्मक भौतिकवाद अनुभवात्मक अध्यात्मवाद है जो धर्म नीति एवं राजनीति को स्पष्ट कर देता है। सो ऐसा जो मानव है ना जागृत मानव उसके जो तीन अधिकार है बौद्धिक और स्वत्व मीन्स आध्यात्मिक। तो ये तीनों अधिकार है ना व्यवहारात्मक जनवाद समाधानात्मक भौतिकवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद है ना। तो अध्यात्म अध्यात्मवाद में है बौद्धिक समाधानात्मक भौतिक में है और भौतिक यहाँ पे हम भौतिक व्यवहारात्मक समाधानात्मक भौतिकवाद में देख सकते हैं बौद्धिक व्यवहारात्मक जनवाद में देख सकते हैं और इसके लिए जो है वो धर्म नीति एवं राजनीति और वही स्पष्ट करता है। हम आगे चलते हैं। जो स्वयं के अधीन में हो जिसमें स्वविचार इच्छा संकल्प एवं आशानुरूप नियोजन पूर्वक प्रमाण सिद्ध हो यही स्वत्व का प्रत्यक्ष रूप है। मानव में पाए जाने वाले मूल तत्व ही निपुणता कुशलता एवं पांडित्य है जिनका वियोग संभव नहीं है। इसलिए यह मानव का स्वत्व सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त भी वस्तु का संग्रह स्थान का संपत्तिकरण पूर्वक स्वत्व को पाने का प्रयास भ्रमित मानव ने किया है जिसमें वह सफल नहीं हुआ साथ ही उनका सफल होना संभव भी नहीं है क्योंकि मानव का भौतिक शरीर अमर नहीं। मानव के द्वारा किया गया संग्रह संपत्तिकरण स्वयं शरणशील है और स्थान और वस्तुओं का संपत्तिकरण अस्थायी है। तो जो पैराग्राफ में जो पहले लिखा है ना कि स्वत्व है ना जो है वो स्वयं में अधीन है ना स्वविचार इच्छा संकल्प और आशानुरूप नियोजन पूर्वक है ना वही स्वत्व है ना। और यही स्वत्व मानव ने पाने वाले मूल तत्व जो है ना वो निपुणता कुशलता पांडित्य इसीलिए वो स्वत्व के लिए भी है ना। स्वत्व इसीलिए भी कहा गया निपुणता कुशलता पांडित्य। ये जो तत्व है ना तत्व जो परिभाषित किया है हाँ परिमाणु का स्थिति और गति है ना परिमाणु का स्थिति और गति इसको ही हम तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे हम परमाणु है ना यहाँ पे हम परमाणु कह सकते कि मानव और मानव की क्षमता जो है वो स्थिति और जो गति है योग्यता और पात्रता और इसी कारण जो क्षमता योग्यता और पात्रता है ना यही तत्व है ना और यही निपुणता और कुशलता पांडित्य के साथ है। इसके अतिरिक्त जो भी है वस्तु का संग्रह स्थान का संपत्तिकरण और सत्वों का पाने के लिए जो प्रयास है भ्रमित मानव से तो वो सफल नहीं हुआ क्योंकि जो शरीर है वो अमर नहीं है उसका नक्षत्र अमर जो है वो जीवन है ना। संग्रह संपत्तिकरण स्वयं में शरणशील है और स्थान और वस्तुओं का संपत्तिकरण अस्थायी।
हम आगे चलते हैं पेज नंबर 26। इसलिए मानव मानव के साथ व्यवहार, मनुष्यतर प्रकृति के साथ उत्पादन, अधिक विकसित के साथ गौरव व कृतज्ञ होने एवं सत्ता में अनुभव के लिए प्रवृत्ति है ना। तो ये हमें व्यवहार का एक बिंदु है, व्यवहार के लिए बिंदु है कि जो मानव है मानव के साथ व्यवहार करता है ना, मानवेतर जो प्रकृति है उसके साथ उत्पादन है और अधिक विकसित उसको पहचान कर है ना उसके साथ गौरवान्वित अनुकृतज्ञ होता है और यही और सत्ता में अनुभव करने के लिए प्रवृत्त है। तो ये जो हम अभ्यास कह रहे हैं है ना, विचाराभ्यास में है ना, ये आ जाना है ना, हमें ये दिख जाना है ना कि मानवेतर जो प्रकृति है उसके साथ उत्पादन है ना, जो साथ है ना, मानव मानव के साथ है, उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार है और जो हम अधिक विकसित देख पाते हैं है ना, वो श्रेष्ठता जो हम देख पाते हैं उसके प्रति गौरवान्वित होना, उसके प्रति कृतज्ञ होना है ना, यही प्रवृत्ति और यही विचाराभ्यास। अगला तारा, सत्ता में अनुभव करने के लिए अवसर सबके पास समान है किंतु पात्रता और अर्हता में प्रभेद है। तो अवसर सबके पास समान है ना, हर कोई समझ सकता है, हर कोई अनुभव कर सकता है ना। इस आधार पर ही बाबा जी कहते हैं कि हर मानव समान है, तो हर मानव के पास समान है, अवसर समान है, किंतु जो प्रभेद है ना वो पात्रता और अर्हता में है ना। पात्रता जो है वो ग्रहण क्रिया, तो और अर्हता जो है प्रमाण संपन्नता है ना, कि क्रिया पूर्णता के बाद आचरण पूर्णता है ना, उसके उसके लिए जाना, और जो पात्रता है क्रिया पूर्णता के लिए जाना, समझदारी के लिए जाना। तो इसमें जो अंतरांतर है यही प्रभेद है, अदरवाइज ना हर मानव के पास अवसर है अनुभव पाने के लिए। अधिक विकसित इकाई कम विकसित के विकास के सहायक, सहयोगी, दिशा निर्देशक एवं शिक्षक के रूप में प्राप्त है, जो माता पिता, शिक्षक एवं उपदेशक के संबंधों में प्रत्यक्ष है, जो अनिवार्य है ना। यहाँ पे बताया गया कि जो हमें प्राप्त है ना, हमें क्या प्राप्त है, हमें शिक्षक प्राप्त है, हमें माता पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में और उपदेशक के रूप में, तो इस संबंध में हमें प्राप्त है। तो ये अधिक विकसित इकाई कम विकसित के विकास के लिए है ना, सहायक के लिए है ना, ये हमें प्राप्त है, यही अवसर हमें हमें ग्रहण कर मीन्स ग्रहण करना है ना, यही पात्रता है। हम आगे चलते हैं। स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही प्रत्यक्ष व्यवहार है, जो सामाजिकता के लिए अनिवार्यतम तथ्य है। इसके निर्वाह तो उत्पादन आवश्यक है, इसका क्षेत्र प्रसिद्ध है ना, ये प्रमाणित है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार और उसके प्रकाश में उत्पादन यही ना, यही आवश्यक है ना, यही सामाजिकता है और यही क्षेत्र प्रसिद्ध है। हम आगे चलते हैं। जागृत मानव का व्यवहार ही व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता व विधि को प्रकट करता है, जिसके लिए वह उत्सुक है, क्योंकि व्यवहार विहीन मानव नहीं है। अतः व्यवहार के बिना मानव जीवन का कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता है, अस्तु व्यवहार मानव जीवन का अविभाज्य अंग है। विकास के क्रम में व्यवहार एक विधिवत स्थिति है ना। तो ये जो अनुभूति है ये व्यवहार की स्पष्टता के लिए है ना। तो जागरूक मानव का व्यवहार हम देख पाए ना, तो जागरूक मानव का व्यवहार की व्यवस्था वही
संस्कृति वही सभ्यता और विधि को प्रकट करता है। तो जागरूक मानव का जो मानवीयतापूर्ण आचरण है ना और मानसिकता में जो व्यवहार है वही संस्कृति है। मानवीयतापूर्ण जो आचरण प्रकट होता है वही सभ्यता है, और यही जो नियम में है, यही जो आचरण में है, यही जो सूत्र व्याख्या सहित है, यही विधि है, और यही विधि नीति सहित जो निर्वाह है और वही परंपरा है, वही व्यवस्था है ना। जब हम जागरूक मानव की तरफ देखते हैं तो उसका जो मानवीयतापूर्ण आचरण, उसका जो प्रकटन है ना, उसके जो नियम आचरण है ना, वही जो विधि के रूप में दिखते हैं, और वही जो परंपरा के अर्थ में है वही व्यवस्था है, और यही व्यवस्था परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था है ना। तो यही प्रकट जो होता है ना, तो यही हमें, यही व्यवहार हमारे लिए स्पष्टता के लिए है। तो ये हम हमारे अभ्यास में देख सकते हैं ना, विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास और के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं ना। यही हम कह सकते हैं कि अध्ययन का बिंदु है। तो जो हमारे पास, जो हमारे में अध्ययन होना है कि वैचारिक नियंत्रण के लिए हम, ये हमें देखना है ना, यही मानवीय जागरूक मानव का व्यवहार देख पाना है ना। और आगे ही सुरेंद्र पाठक जी है ना, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, विधि, ये अध्याय लेने वाले है ना, बहुत विस्तृत में वो ले ले लेते हैं। जब बता रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो आप चेक करो, नो साउंड कैन बी हर्ड, कोई अच्छा, बता दे आवाज आ रही है ठीक से। संस्कृति, सभ्यता। अच्छा, अभी आवाज आ रहा है? संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था का आधार मानवीयता है, क्योंकि मानवीयता में ही सामाजिकता स्थापित सिद्ध है। अमानवीयता की सीमा में सामाजिकता की संभावना नहीं है, जबकि अति मानवीयता में सामाजिकता समाई हुई है। इसलिए मानवीयता का आधार स्थापित संबंधों में निहित स्थापित स्थायी मूल्य ही है ना। तो ये जो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, इसका आधार मानवीयता ही है ना, यही सामाजिकता स्थापित प्रमाणित है ना। तो अमानवीयता में ये संभव ही नहीं है, जबकि अति मानवीयता में सामाजिकता समाई है। इसलिए मानवीयता का जो आधार है ना, जो मानवीयतापूर्ण आचरण, और उसे यही हम कहते हैं कि स्थापित मूल्यों की अनिवार्यता सर्वदा सबके लिए समान है। इसलिए स्थापित मूल्य ही विधि है। स्थापित मूल्यों का निर्वाह आचरण पूर्वक है, जो स्वयं में संस्कृति व सभ्यता है। यह सब मानवीयता में सहज प्रमाण परंपरा सिद्ध होता है। ये जो स्थापित मूल्य है ना, इस स्थापित मूल्य में, स्थापित मूल्य से, और इसके लिए है जो व्यवस्था, यही व्यवस्था में स्थित है ना। तो ये हम देख पाते हैं कि स्थापित मूल्य जो है, ये नियम और नियंत्रण के अर्थ में अगर देखते हैं तो ये विधि है ना। स्थापित मूल्य के जो मूल में है, जो नियम है ना, क्योंकि हम बोलते हैं कि स्थापित मूल्य ही मौलिकता है, यही निश्चित आचरण है, और आचरण ही जो निश्चित नियम के अंतर्गत है, तो यही विधि है। और स्थापित मूल्यों का जो प्रकटन है ना, जो आचरण है, वो संस्कृति और सभ्यता है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि विधि तात्विकता के रूप में, संस्कृति तार्किक लेवल पे, और सभ्यता व्यवहारिक तल पे। तो ये तीनों अगर पे हम देख पाते हैं तो हम ये कह पाते हैं कि स्थापित मूल्य ही विधि है, और उसका जो निर्वाह है आचरण पूर्वक, वही स्वयं में संस्कृति और सभ्यता है, और यही परंपरा सिद्ध है। हम आगे चलते, वस्तु मूल्यों का नियंत्रण व्यवस्था पर है ना। उत्पादन सिद्ध वस्तुएं आवश्यकता के आधार पर द्रष्टव्य है, इसलिए उनका मूल्य निर्धारण उन पर स्थापित
की गई उपयोगिता एवं सुंदरता के आधार पर ही है ना। तो वस्तु मूल्य का जो नियंत्रण है, जो व्यवस्थापरी है, तो वस्तु मूल्य का जो निर्धारण है ना, तो उसके उसमें जो स्थापित की गई उपयोगिता और सुंदरता के आधार पर है, तो वो जो उपयोगिता है ना, उस उत्पादन पे उसका जो सुंदरता है उसी पे आधार पर मूल्य निर्धारण है ना। और यही उत्पादन वस्तु ये आवश्यकता के आधार पर द्रष्टव्य है। तो जब आवश्यकता निश्चित होती है तो उत्पादन निश्चित होते हैं, और उसी उत्पादन पे जो हम स्थापित उपयोगिता रहती है, सुंदरता होती है, उसी के आधार पर मूल्य निर्धारण होते हैं। हम आगे चलते हैं। आवश्यकताएं सामयिक है, प्रत्येक समय में प्रत्येक मानव को प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता समान रूप में सिद्ध नहीं होती, जबकि स्थापित संबंधों की अनिवार्यता निरंतर है, जो प्रसिद्ध है। इसीलिए आवश्यकताएं सामान्य एवं महत्वाकांक्षा की सीमा में ही है। इन सब का उपयोग समाज गति के लिए, गति के अर्थ में सामयिक है, इसलिए संबंधों के निर्वाह में वस्तुओं के उपयोग, सदुपयोग व वितरण प्रयोजन की सीमा में समाहित है। तो यहाँ पे बताया है कि आवश्यकता सामयिक है, समय के साथ, समय के अनुसार बदलती रहती है ना। हर मानव के लिए वो समान नहीं है, हर मानव के लिए वो बदलती रहती है। तो इसलिए तो जबकि जो स्थापित संबंध है ना, वो निरंतर है, वो समान है ना। आवश्यकता निश्चित है लेकिन वो सामयिक है। इसलिए आवश्यकताएं जो सामान्य और महत्वाकांक्षा की सीमा में है, और इनका हम उपयोग देख पाए, इनका उपयोग समाज गति के अर्थ में समय समय पर है ना। सामान्य आकांक्षा जो है ना, आहार, आवास, अलंकार है ना, ये परिवार के लिए और समाज गति के लिए, वैसे वैसे ही महत्वाकांक्षा जो है समाज गति के अर्थ में सामयिक है। अभी हम देख रहे हैं ना, जो हम इंटरनेट से हम बात कर रहे हैं ना, ये समाज गति के लिए सार्थक हो रहा है, और इसी के लिए इसीलिए संबंध के निर्वाह में भी तो जो वस्तु का उपयोग है ना, जो भी सदुपयोग समाज में और जो भी वितरण है, वही प्रयोजन, ये प्रयोजन संबंधों के निर्वाह के सीमा में समाहित है। तो आगे हम चलते हैं अध्याय 7 में।